मैं हरलाल प्रवक्ता भौतिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर। आज हम नाभिकीय रिएक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने नाभिक के विखंडन के बारे में बात की थी। नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया में हमने देखा था कि दो प्रकार की अभिक्रिया थी। एक तो नाभिकीय जो श्रृंखला अभिक्रिया जो थी वो अनियंत्रित अभिक्रिया थी और दूसरी थी नियंत्रित अभिक्रिया। अनियंत्रित अभिक्रिया के उदाहरण के रूप में हमने परमाणु बम का जिक्र किया था और जो नियंत्रित अभिक्रिया है उसमें नाभिकीय रिएक्टर का उदाहरण दिया था। नाभिकीय रिएक्टर को विस्तार से समझने के लिए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय रिएक्टर 1942 में एक फिजिसिस्ट थे फर्मी, उन्होंने अपने रिसर्च के रूप में और अपने गाइडेंस में एक नाभिक के विखंडन के प्रथम रिएक्टर का निर्माण किया, जो शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने ये प्रयोग किया था। और उसमें उन्होंने इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम छड़ों का उपयोग किया तथा मंदक के रूप में ग्रेफाइट को काम में लिया। सुरक्षा कवच के रूप में उन्होंने 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना करके एक कवच बनाया ताकि किसी बाहर के व्यक्ति को या वातावरण को प्रभावित नहीं करे। और उसी के अनुसार आज भी आधुनिक रिएक्टर का निर्माण उन्हीं के बताए गए दिशा निर्देशों एवं सुरक्षा मापदंडों के अनुसार ही होता है, जिसमें मुख्यतया निम्न भाग होते हैं। अब आपके सामने एक ये परमाणु रिएक्टर का या नाभिकीय रिएक्टर का एक डायग्राम है। इसको आप ध्यान से देखें तो बीच में जो येलो कलर के जो हैं, ये जो दिखाया गया उसके चारों ओर का ये जो एक भाग है, सिलेंड्रिकल जो भाग है, वो भाग जिसको कहते हैं ये रिएक्टर कोर होता है। रिएक्टर कोर जिसमें ईंधन भरा जाता है, यानी आपके पास में ये फ्यूल एलिमेंट्स जो लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं। और उसके ऊपर की तरफ जो ग्रीन लाइन से जो बता रखे हैं ये कंट्रोल रोड्स हैं। और उसके साथ ही एक मॉडरेटर दिखा रखा है और उसके चारों ओर एक ये मोटी सुरक्षा कवच जिसको कंक्रीट शील्ड के नाम से इन्होंने बताया है। और उसके बाद ये जो ब्राउन कलर से जो एरो बता रखा है वो हॉट कूलेंट जो लिखा हुआ है ये शीतलक है, जो कि न्यूट्रॉन्स को जो अभिक्रिया के अंदर उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन्स को उनकी गति को मंद करने का काम करता है। और उसके बाद में यहाँ से जो उत्पन्न इस नाभिक के रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा जो है वो आगे स्टीम इसमें जनरेटर में जाती है और इसी स्टीम को फिर आगे ये पावर इसमें टर्बाइन चला करके और विद्युत उत्पादन के काम में लिया जाता है। अब इसके जो हमने अभी इस डायग्राम में देखा उसको अलग अलग भागों के रूप में हम विस्तार से समझते हैं। आपके सामने ये जो नोट्स जो है उसको आप देखें और इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये इसी प्रकार से आपने को परीक्षा के अंदर लिखना है, इसलिए आप ध्यान से इसको देखें। पहला, ईंधन, यानी हम जिस अभी अपने जो देखा डायग्राम देखा उसमें जो रिएक्टर कोर की जिसकी बात कर रहा था मैं, वो रिएक्टर कोर मुख्य भाग है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मुख्य भाग है वो रिएक्टर कोर ही है, जिस जहाँ पर हम नाभिक के ईंधन को रखते हैं। और ये नाभिक के ईंधन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 235 होता है। और जो इसको यही जो नाभिक के अभिक्रिया में इस पर जो न्यूट्रॉन की जो बौछार करने पर ये आगे अभिक्रिया शुरू होती है। दूसरा भाग, मंदक, यानी मॉडरेटर। मंदक ऐसे पदार्थ हैं जो फास्ट न्यूट्रॉन्स की गति को कम करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। यानी फास्ट न्यूट्रॉन्स की गति को कम करने का मतलब ये है कि ताकि वो अभिक्रिया काफ़ी लंबी चल सके, इसलिए इनको न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। और मॉडरेटर के रूप में जो है भारी जल, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का काम में लिया जाता है। नंबर 3, नियंत्रक यानी कंट्रोलर। नाभिकीय रिएक्टर में मुख्य भाग रिएक्टर कोर के अंदर जो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस होता है
उसको नियंत्रित करने के लिए रिएक्टर की दीवारों में कैडमियम या स्टील की छड़ जिनके अंदर बोरोन हो उनका उपयोग किया जाता है। और ये छड़ें जो नाभिकीय रिएक्टर की जो दीवारें होती हैं उनके अंदर से लगी हुई होती हैं। यानी हम जो बात कर रहे थे कि ये नियंत्रित अभिक्रिया है, और इन नियंत्रित अभिक्रिया का मतलब यही है कि इन कंट्रोलर यानी नियंत्रकों के माध्यम से ही इस अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। यानी ये जो कैडमियम और बोरोन का उपयोग, बोरोन के छड़ों का उपयोग जो कर रहे हैं, ये न्यूट्रॉनों के अवशोषण करने की इनमें अच्छी क्षमता होती है, और ये न्यूट्रॉन की जो है गति को धीमा करने यानी इनको अवशोषित कर देते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो कंट्रोल हो जाती है। चौथा जो भाग है वो है शील्डिंग यानी परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब है कि ये जो नाभिकीय रिएक्टर हैं, इन नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो प्रक्रिया जो होती है ये प्रक्रिया नियंत्रित हो, और इससे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो ये मानव के विकास के लिए काम में आए, तो इसके लिए इसको सुरक्षित रूप से, इस पूरे प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए एक मोटी सुरक्षा दीवार यानी एक RCC की दीवार, जैसे मैंने शुरू में ही बात की थी कि एक बहुत मोटी दीवार इसके सुरक्षा कवच के रूप में बनाई जाती है, जिससे कि उससे उस अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित होने वाली रेडियोएक्टिव विकिरण जो है वो बाहर नहीं आए और जनमानस या वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, इसलिए एक मोटी दीवार बनाई जाती है। उसके बाद पांचवा जो है वो शीतलक यानी कूलेंट। नाभिकीय रिएक्टर में जो ये पूरा जो प्रोसेस है उसके दौरान ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है, और वो इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा होगी उसको काम में लेने के लिए जो कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, और उसके अंदर ये वायु जल या CO2 को हम काम में लेते हैं, और इन पदार्थों को हम शीतलक कहते हैं, और इससे जो ऊष्मा जो उत्पन्न होगी उससे टर्बाइन को चला करके और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये आज के दिन करीब करीब 450 परमाणु रिएक्टर पूरे विश्व में क्रियाशील हैं। यानी इतने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये वो ऑपरेटिव हैं, और इनमें से कुछ रिएक्टर तो रिसर्च के काम में आते हैं यानी अनुसंधान के लिए आते हैं, और कुछ ईंधन के काम में यानी ब्रीडिंग रिएक्टर उनको कहते हैं। यानी ये जो अपने बात की थी ये यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 235 जो है, ये हमने शुरू में जो कह रहे थे जो रिएक्टर कोर में हम जो काम में ले रहे थे, ये इनकी जो है मात्रा बहुतायत में उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए इनका निर्माण करने के लिए जो रिएक्टर बनाए जाते हैं उनको ब्रीडिंग रिएक्टर कहते हैं, और बाकी के जो रिएक्टर हैं उनको हम पावर रिएक्टर कहते हैं, और ये पावर रिएक्टर ही हैं जो कि विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। भारत में 7 पावर प्लांटों में 22 रिएक्टर क्रियाशील हैं, जिनमें करीब करीब 6780 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब हम चाहें तो जो अपन ने शुरू में देखा था, जो डायग्राम देखा था रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर का, उसको हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू वापिस समझ सकते हैं, ताकि अपने को इजीली जो है वो याद रह सके और हम उसको एग्जाम में हमारे हिसाब से उसको लिख सकें। सभी को ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो डायग्राम है अगर हम उसको अपने माइंड में इसको सही ढंग से सेट कर लेते हैं तो इसको जो इसके मुख्य भाग हैं उनका हम वर्णन एग्जाम के अंदर सही ढंग से कर सकते हैं। तो जैसा आपने पहले उस डायग्राम में देखा, पहले सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मुख्य भाग है वो है रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर जो शुरू में ये जो एकदम बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर जो एक डायग्राम है, ये जो है ना आपको ये ब्लॉक डायग्राम है, इसमें आपको FMF जो दिख रहे हैं ये, हाँ उसके अंदर जो F है वो फ्यूल रोड्स को कहते हैं, F जो है वो फ्यूल रोड्स हैं, और M जो है वो मॉडरेटर यानी ग्रेफाइट रोड्स हैं। फ्यूल रोड्स मीन्स यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 235, ये जो है ये अपना फिजनेबल मटेरियल है जिसको हम रिएक्टर कोर में काम में लेते हैं, और यही जो है वो इस प्रक्रिया का मुख्य भाग है, याद रखना है।
दूसरा जो कंट्रोल रोड्स हैं, वो कंट्रोल रोड्स जो हैं वो अपने देख उसमें देखा था कि ये कैडमियम की हो सकती हैं, और यहाँ पे जैसे सोडियम मेटल की भी बताई हैं। तो इसके अंदर ये जो हैं, ये रोड्स जो हैं, इस अभिक्रिया को ये नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाती हैं। जब अभिक्रिया को नियंत्रित करना हो तो इन रोड्स को अंदर डाल देते हैं, ताकि ये इस पूरे जो इस अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेते हैं और अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। जब अभिक्रिया को हमारे इसका बढ़ाना हो, गति को बढ़ाना हो, तो इन रोड को बाहर निकाल लेते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद देखें कि कूलेंट, कूलेंट सर्कुलेटिंग ये जो पंप है हमने देखा, इसमें जो अभी हमने देखा था कि CO2 या जल वगैरह इसको काम में लेकर के इसका काम में लिया जा सकता है। और ये यहाँ से ये देख रहे हैं ऊपर ऊपर वाले में से, इधर से होट जो है इसे जा रहा है, और ये नीचे जो है ये पूरा जो है कोल्ड जो होकर के वापस में सर्कुलेट होता है। उसके बाद ये जो है यहाँ से ये पूरी जो है स्टीम जो है वो स्टीम टर्बाइन के थ्रू, फिर ये टर्बाइन जो है इससे ऊष्मा को द्वारा भाप के द्वारा इस टर्बाइन जो है चलता है, और इस टर्बाइन से जो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारे काम के काम आ सकती है। ठीक है, और इस ये जो है पूरा प्रक्रिया, इस डायग्राम को आप एक ढंग से पढ़ें और इसको याद कर लें। धन्यवाद।